नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भालेज में भारत के जाबाज वीर शहीदों को हिंदू मुस्लिम समुदायों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी को कश्मीर भारतीय सेना के हिंसक आतंकवादी हमले में 42 जवान शहीद हुए हैं। इस दर्दनाक हिंसक हमले में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह भालेज में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भालेज में मिशन चौक से दूध की डेयरी तक मोमबत्तियों जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और बड़े दुख की अनुभूति जताई और उनकी सुरक्षा की प्रार्थना की गई। और कहा गया कि जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं। और आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीदों अमर रहो के नारों के साथ पूरा भालेज गांव गूंज उठा। आनंद जिला से बसर चेष्टी की रिपोर्ट। फरमा अल्लाह के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह जो मांगा उसे भी अता फरमा, जो रह गया उसे भी अता फरमा। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته। हिंदुस्तान के अंदर जो पुलवामा बनाव बने से 4400 हमारा जो देश ना शहीद थया छे फौजी लोग एना माटे आज शेखवाड़ा बाजार थी लई अने दूध ने डेरी सुधी कैंडल मार्च उजी जेमा भालेज गामना अग्रणी हिंदू मुस्लिम तमाम नाथ जातना लोग भेगा थे अने एना कैंडल मार्च उजी अने आज आना माटे दुआ करवामां आवी। हिंदू मुस्लिम बधा भाईओ भेगा थे आ देश में अमनो अमन रहे अने जे आतंकवादी जे आतंकवाद कृत्या कर्यु छे एने अमे एक वडाप्रधान श्रीने मैसेज आप्यो छे कि आ देश ने जारे पण जरूर पड़शे अमे तमारी पड़खे रहीशुं अने आ देश એનો જવાબ આપે જો અમે ઈચ્છી રહ્યા છીએ અને દેશની અંદર ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હશે પણ અમે તમારા પડખે રહેવા માટે અમે આ બાંયધરી આપે છે અને દેશમાં જે કૃત્યા બન્યું છે એ ખરેખર કૃત્યા વખોડ્યો છે અમે કૃત્યાને અને આવું ના બને એનો આ દેશના જવાનો જે સુરક્ષા કરે છે આપણા માટે અને આપણે તેમનાથી સારી નીંદ લઈ રહ્યા છીએ એ આજે દેશના જે જવાનો શહીદ થયો છે એમને એમનો બદલો મળે અને એમને એમના સંસારવાળાને પણ એમને સારું એવું વળતર આપવામાં આવે એ અમારી સૌ આજે અમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ।